सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे लैपटॉप की। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 है, 40,000 के प्राइस रेंज में आज मैं आपको टॉप 5 लैपटॉप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहना, हम नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो यार नंबर 5 की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि आपको 40,000 के प्राइस रेंज में स्पेसिफिकेशन क्या देखने को मिल जाते हैं। तो यार आपको i3 11th generation मिल जाएगा आपको i3 10th generation भी, Ryzen 3 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपने उन प्रोसेसर की और नहीं जाना, आपने i3 11th generation की और मिनिमम जाना ही जाना, ठीक है। आपको 128GB SSD भी मिल जाती है, 256GB SSD भी के लैपटॉप में देखने को मिल जाती है, आपने SSD की और ही जाना है, आपने HDD की और तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, एंड आपको 4GB RAM कई लैपटॉप में मिल जाएगी, कई लैपटॉप में आपको 8GB RAM मिल जाती है, ठीक है। 8GB मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर आपको 4GB मिलती है, बस ये ध्यान में रख लेना कि रैम जो है वो अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी हम लैपटॉप की बात करते हैं, तो नंबर 5 की बात हम कर लेते हैं। तो यार नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5 पे यार मैंने रखा असूस की ओर से लैपटॉप। तो यार असूस ब्रांड की ओर से ये लैपटॉप सच में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। स्पेसिफिकेशन बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, 14 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, i3 11th generation प्रोसेसर मिल जाएगा, 4GB RAM है, 20GB RAM अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यार प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये स्पेसिफिकेशन सच में अच्छे प्रोवाइड कर रहा है। 256GB आपको SSD मिलेगी, इंटेल Ultra HD ग्राफिक कार्ड, पोर्ट्स वगैरह सभी मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी मिल जाएगा, विंडोज 10 देखने को मिल जाती है, फ्री अपग्रेड भी मिल जाएगा, विंडोज 11 आप इंस्टॉल कर सकते हो, एमएस ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन, एंड आपको 6 to 7 hours का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ ना, तो लाइक आपको 39,280 रुपीज़ के प्राइस रेंज में अभी अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है। जो बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आपने इस लैपटॉप को चेकआउट जरूर करना, मैं आपको रिकमेंड भी ये करूँगा, ठीक है। अभी नंबर 4 की बात हम कर लेते हैं। तो यार नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 पर मैंने रखा है Redmi की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूँ Redmi e-learning की। तो भाई अगर आप स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, ऑफलाइन क्लासेस लगानी है, प्रेजेंटेशन रेडी करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए ये लैपटॉप सच में बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, 15.6 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, i3 11th generation के साथ प्रोसेसर, इसमें ना आपको 8GB RAM मिल जाती है, लेकिन रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ये चीज़ आप सच में ध्यान में रख लेना जब आप बाय करोगे। 256GB आपको SSD मिलेगी, Intel Ultra HD ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, MS Office मिल जाता है 2019 वर्जन, प्लस आपको Windows 10 देखने को मिल जाती है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, 3.5mm जैक वगैरह, वो हर एक चीज़ इसमें देखने को मिल जाती है, 10 टू 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, एंड ये बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, बिल्ड क्वालिटी सच में अच्छी होने वाली है, उसके साथ साथ आपको 720p वेब कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यार 40,000 के प्राइस रेंज में आपको 720p वेब कैमरा ही सभी लैपटॉप में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके स्पेसिफिकेशन सच में अच्छे हैं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि भाई 8GB RAM मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। बार बार इसीलिए रिपीट करूँ, ऐसे ना हो जाए कि आप बाय कर लो, फिर आप मेरे से कमेंट करो या मुझे पूछो कि भाई इसमें रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलता भाई। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। तो यार नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर मैंने रखा लिनोवो की ओर से लैपटॉप। तो यार 40,000 के प्राइस रेंज में असूस एंड लिनोवो सच में आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार इसीलिए मैं आपको लैपटॉप जो है वो लिनोवो की ओर से भी एक रिकमेंड कर देता हूँ। मैं बात करूँ लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 की, ठीक है। एक लैपटॉप मैं लिनोवो की ओर से आपको और रिकमेंड करूँगा, लेकिन सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, फुल HD डिस्प्ले है, 8GB RAM है, 12GB RAM अपग्रेड करने का ऑप्शन, 256GB आपको SSD, i3 11th generation के साथ प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, इसमें आपको DOS देखने को मिलता है, तो आपको ना इंस्टॉल करनी पड़ेगी विंडोज 11 या विंडोज 10, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा, अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं, पोर्ट्स वगैरह सभी मिल जाएंगे, 6 to 7 hours का बैटरी बैकअप, और प्राइस की बात करूं, मतलब कितने प्राइस में मिलेगा, तो आपको ना ये लैपटॉप 36,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको लिनोवो लैपटॉप के बता दिए, इसका माइनस पॉइंट सिर्फ एक है कि इसमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको क्रैक वर्जन इंस्टॉल करवाना होता है तो 200 रुपीज़ के प्राइस रेंज में कोई भी कैफे वाला ना आपको लाइक इंस्टॉल करवा देगा, एंड अगर आपको लाइक जेन्युइन विंडो चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वो आपको 1000 या 1500 के प्राइस रेंज में मिल जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना भाई, अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आता है, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, लेकिन एक लैपटॉप में आपको लिनोवो की ओर से ना
ऑफ रिकमेंड करने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं नंबर टू की। तो यार नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर मैंने रखा है लिनोवो V15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 4GB रैम प्लस 12GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, प्लस 256GB आपको SSD मिल जाती है, i3 11th generation के साथ देखने को मिलेगा प्रोसेसर, विंडोज 10 देखने को मिल जाती है, MS Office 2019 वर्जन, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, 5.5 आवर्स का बैटरी बैकअप, रैपिड चार्जर के साथ मिलेगा, मतलब 80% चार्ज हो जाएगा सिर्फ एक घंटे में। 38,490 के प्राइस रेंज में लिनोवो V15 आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको लिनोवो V15 के भी बता दिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको लिनोवो का लैपटॉप ही चाहिए ना तो भाई आप लिनोवो V15 की ओर ही चले जाना, बिकॉज इसका प्राइस 37,000 या 38,000 के प्राइस रेंज में ये स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 की ओर जाना है, वो आपको 36,900 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो डॉस देखने को मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। मैं साथ में आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको ना क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार चेकआउट जरूर करना इन लैपटॉप को, बिकॉज कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी जब आप खुद देखोगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नंबर वन की। तो यार नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर मैंने रखा है Acer Inspire 5 को। तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका डिज़ाइन, इसका लुक एंड इसके कलर, मतलब लैपटॉप अगर आपको स्टाइलिश भी चाहिए, स्लिम भी चाहिए ना, तो भाई ये लैपटॉप सच में बेस्ट हो सकता है, एंड इसके स्पेसिफिकेशन भी अच्छी हैं। अभी बात करते हैं कि ये लैपटॉप किन लोगों को लेना चाहिए। तो भाई अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफलाइन काम करते हो, ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो, जब बिजनेस के लिए चाहिए, या अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, मतलब डेली यूज़ करना चाहते हो, कुछ ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना, एमएस ऑफिस पे काम करना चाहते हो, तो आप सभी कैटेगरीज के बंदों के लिए ना यार ये लैपटॉप सच में जन्नत हो सकता है। अगर मैं लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको 14 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, i3 11th generation मिलेगा, 4GB रैम है, लेकिन 20GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, 256GB SSD, इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड, 11 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड के साथ देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज 10 देखने को मिल जाती है Acer Inspire 5 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Acer Inspire 5 के बता दिए। तो यार अभी ना मैं आपको दो लैपटॉप रिकमेंड कर देता हूँ जो कि 40,000 के प्राइस रेंज में सच में पैसा वसूल है। तो नंबर वन पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप Asus VivoBook 14 की ओर जा सकते हो, बिकॉज स्पेसिफिकेशन सच में बहुत तगड़े हैं। एंड नंबर वन की बात करूँ तो आप Acer Inspire 5 की ओर जा सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। दोनों के बाइक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने बाइक चाउड कर सकते हो, बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। तो यार अब भी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।